15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों का उपार्जन शुरू हो रहा है। किसानों को इन खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने में कोई समस्या ना हो, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख पालन किया जाए, इसको लेकर जिला कलेक्टर के निर्देश पर नौगांव तहसीलदार भानु प्रताप सिंह और हरपालपुर थाना प्रभारी दिलीप पांडे द्वारा पुलिस बल के साथ कृषि उपज मंडी परिसर में मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदाम में बनाए गए गेहूं चना खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया। हरपालपुर में 3 गेहूं खरीदी और 1 चना खरीदी केंद्र शासन की ओर से बनाए गए हैं। वेयर हाउस के गोदाम 7 और 3 गेहूं खरीदी केंद्र और गोदाम क्रमांक 6 में चना खरीदी केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा एक निजी वेयर हाउस महालक्ष्मी हाउस भी गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार वीपी सिंह और थाना प्रभारी दिलीप पांडे द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन हो, इसके लिए उपज बेचने आए किसानों के वाहन, ट्रैक्टर पर्याप्त दूरी पर खड़े करने के लिए सुरक्षा घेरे भी बनाए गए। साथ ही मंडी के गेट पर पुलिस बल भी मंडी कर्मचारियों के साथ नियुक्त होंगे। महोदय के निर्देशों के अनुसार सभी वेयर हाउस को चेक करना है कि वो पूरी तरह खाली हैं कि नहीं है। सभी सोसाइटियों द्वारा जो प्रारंभिक निर्देश दिए गए हैं उनको, जैसे कोरोना के संबंध में जो महामारी चल रही है उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी हाथ धोने की व्यवस्था करें, सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें।